स्वस्थ परिवार खुशहाल परिवार ना सूत्र साथ राज्य 18-22 एप्रिल दरमियान ब्लॉक हेल्थ मेला योजना छे, जे अंतर्गत छोटादेपुर खाते सांसद गीताबेन राठवानी अध्यक्षता में खेडूत तालीम केन्द्र खाते ब्लॉक हेल्थ मेळो योजायो। दरेक नागरिक ने स्वास्थ्य की सेवाओं उपलब्ध करावानी साथे स्वास्थ्य अंगे ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं अंगे नागरिकों ने जानकारी मळे अने लोको लाभ ले तेवा हेतु थी आज थी तारीख 22 एप्रिल सुधी राज्यभर में ब्लॉक आरोग्य मेळाओ शुरू करवामां आव्या छे। त्यारे जिल्ला वहीवटी तंत्र अने जिल्ला आरोग्य विभाग जिल्ला पंचायतना संयुक्त उपक्रमे छोटाउदेपुर नगर में आवेल खेडूत तालीम केन्द्र खाते आ ब्लॉक हेल्थ मेळो सांसद गीताबेन राठवानी अध्यक्षता में योजायो छे, जेमां आरोग्य सेवा निदान निःशुल्क दवा अने बाळको कुपोषण मुक्त बने ते माटेना पोषणक्षम आहार सहित आरोग्यलक्षी योजनाना लाभ लई शके ते माटे युनिक आईडी कार्ड, आयुष्यमान कार्ड, भारत कार्ड बनावा अंगेना तेमज योगा सहित फ्रूड एंड ड्रग्सनी मोबाइल लेबना स्टॉल लगावी सेवा उपलब्ध करवामां आवी हती। कार्यक्रम में कुपोषणमांथी मुक्त थयेल आंगणवाड़ीना भूलकाओने दफ्तर अने प्रमाणपत्र तेमज जन आरोग्य अटल स्नेह योजनाना अने योगा ट्रेनरने प्रमाणपत्र एनायत करवामां आव्या हता। कार्यक्रम में सांसदनी साथे छोटाउदेपुर जिला कलेक्टर स्तुति चारण, जिला विकास अधिकारी गंगा सिंध, जिला पंचायत प्रमुख मलकाबेन पटेल, भाजप जिला प्रमुख रश्मि वसावा, महिला प्रमुख सज्जनबेन राजपूत, जिला भाजप पूर्व प्रमुख जशुभाई राठवा सहित महानुभवों उपस्थित रहा था। जे प्रधानमंत्री जन आरोग्य कल्याण ना कार्ड वितरण करवामां आया अने साथे साथे जे जन्मजात जेनी खोड़ खापण होय एटले के होट कपायेलो होय, हृदयनी कंईक बीमारी होय तो एवा बाळकोने ऑपरेशन करीने जे सारा थया एमने प्रमाणपत्र आपवामां आया। साथे साथे जे कुपोषित बाळको हता ए सुपोषित थया सारा थया એમને પણ અહીંયા સન્માનિત કરવામાં આવ્યા। આજે અહીંયા અલગ અલગ રોગ, ધારો કે આંખની બીમારી હોય, દાંતની બીમારી હોય કે કોઈ પણ બીમારી હોય એની મફત તપાસ અને મફત સારવારનો આજનો વિષય છે, આજનો કેમ્પ છે આ મેળામાં। અમારા જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ બેન મલકાબેન, પાર્ટીના પ્રમુખ રશ્મિભાઈ, મહામંત્રી શંકરભાઈ, જસુભાઈ, અમારા મહિલા મોરચાના પ્રમુખ બેન સજ્જનબેન, કલેક્ટર અને ડીડીઓશ્રીએ મોટી સંખ્યામાં અહીંયા સૌ પદાધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા અને હું આપના માધ્યમ રેહાન પટેલ, જીટીવી ન્યૂઝ, છોટાઉદેપુર।